नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में कम्प्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने आपका ट्रेड टेस्ट पास कर लिया है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लिया है, उनमें से कितने गुना अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। एक लंबे समय से अभ्यर्थियों को चिंता यह सता रही थी कि सर हमें हमारे नंबर कैसे पता चलेंगे, हमारे नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, कितने नंबर हमारे बने, क्या हमारे नॉर्मलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसी के साथ में दोस्तों एक बड़ी चिंता अभ्यर्थियों को सता रही थी कि क्या मेडिकल के लिए अलग से कट ऑफ जाएगी, या फिर जिन जिन अभ्यर्थियों ने आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास किया है उन सभी अभ्यर्थियों को क्या मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। एक बड़ी चीज की चिंता यह थी कि क्या डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक होंगे या फिर अब डॉक्यूमेंट चेक नहीं होंगे। इस वीडियो में कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वहीं आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने कौन सी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया था, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आपकी ट्रेड में लगभग कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बढ़ते पहले सवाल की ओर कि कितने गुना अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1522 वैकेंसी थी, लेकिन दोस्तों मैं यहां पर नोटिफिकेशन में भी आपको दिखा रहा हूं, नोटिफिकेशन में यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मेंशन कर रखा है कि जितने आपकी वैकेंसी है इसके 3 गुना अभ्यर्थियों, कितने गुना अभ्यर्थियों को, इसके 3 गुना अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो आपके 4566 अभ्यर्थियों को ही मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। चाहे आपके इनमें से लगभग 10,000 अभ्यर्थी फिजिकल मेडिकल में, सर दोस्तों ट्रेड टेस्ट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हुए, तो इनमें से लगभग 4566 अभ्यर्थियों को ही मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि एक चीज तो निश्चित हो गई कि अगर इतने ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो एक चीज तो ये कि आपकी मेडिकल के लिए आपको एक अलग से कट ऑफ और देखने को पड़ेगी। यानी कि दोस्तों बात करें, अब आप में से जो जो अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास है उन सभी अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, अब आपकी एक कट ऑफ लगेगी और जो जो अभ्यर्थी उस कट ऑफ में पास होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों को चिंता इस चीज की सता रही कि सर हम हमारे नंबर कैसे चेक करेंगे, हमारे कितने नंबर आए हैं। तो दोस्तों नंबर को लेकर के अगर आप परेशान हो रहे हैं तो एसएसबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक चीज मेंशन कर रखी है कि अब आपके नंबर नहीं दिखाए जाएंगे, अब आपकी एक लिस्ट जारी होगी। जैसे अभी आपने जो लिस्ट देखी थी, जो जो अभ्यर्थी रिटर्न में पास हुए थे उनको मेडिकल दोस्तों ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया था, उनकी अभी एक लिस्ट लगी थी, वैसे ही लिस्ट आपकी मेडिकल के लिए आपकी एक लिस्ट ही लगने वाली है। जी दोस्तों, मेडिकल के लिए एक लिस्ट ही लगेगी, आपके नंबर नहीं दिखाए जाएंगे। अगले अभ्यर्थियों की चिंता यह थी कि क्या डॉक्यूमेंट एक बार और चेक किए जा सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, मेडिकल के साथ में आपके एक बार डॉक्यूमेंट और चेक होने वाले हैं। और आप में से जो अभ्यर्थी अभी ये सोच रहे हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट पास हो गया, मेरे ट्रेड टेस्ट पास हो गया, तो ये दोस्तों आप बहुत बड़ी चिंता कर रहे हो, अभी आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए गए, अभी आपके डॉक्यूमेंट लेकर के इकट्ठा किए गए हैं, अब आने वाले 10 से 15 दिन में आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, फिर जो जो अभ्यर्थी पास होंगे मेडिकल में, सो दोस्तों ट्रेड टेस्ट में और डॉक्यूमेंट में, उन अभ्यर्थियों की कट ऑफ बनेगी आपके मेडिकल के लिए। तो दोस्तों यह था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।